सजावट देख रहे हैं आप मेरे इर्द गिर्द। देखिए, घर में जब भी कोई त्यौहार होता है तो घर को उसी तरीके से सजाया जाता है, थोड़ा माहौल बनाया जाता है। और भारत में भी तो एक त्यौहार शुरू होने वाला है, क्रिकेट जगत के सबसे बड़े त्यौहारों में से एक, इंडियन प्रीमियर लीग। और इसीलिए हमने जो आपका शो है क्रिकेट न्यूज़ दिस वीक एट सोशल, उसको अब से IPL स्पेशल बना दिया है। हर हफ्ते IPL की दुनिया में सोशल मीडिया पर जितनी खबरें चल रही हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। और इस शो को आप बुला सकते हैं T20 लीग दिस वीक एट सोशल। तो पहले संस्करण की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर क्या है? पहली खबर तो शुभ खबर होनी चाहिए, लेकिन ये शुभ तो नहीं है, लीग के आयोजन से संबंधित है, इसलिए इस बारे में बात तो करनी ही होगी हमें। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल जब कोविड पॉजिटिव हुए थे तब सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठे थे, फैंस काफी डगमगा से गए थे कि लीग का आयोजन इस साल हो पाएगा या नहीं। और अगले ही दिन अब ये खबर आई है कि RCB के एक खिलाड़ी, ये रिपोर्ट्स आई हैं अब तक कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। और चूंकि रिपोर्ट्स आई हैं तो अभी हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइजी ने इस बारे में पुष्टि नहीं की है कि वो पॉजिटिव हैं या नहीं। तो अभी केवल हम आशा कर सकते हैं कि लीग का आयोजन इस साल ढंग से हो जाए। और चूंकि BCCI ने कुछ काउंटर मेजर्स रखे हुए हैं, जैसा कि हैदराबाद को एक ऑल्टरनेट वेन्यू के तौर पर रखा है कि अगर किसी शहर में कोविड के चलते स्थिति काफ़ी खतरनाक हो जाए तो आप लीग को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। हैदराबाद में चूंकि कुछ शहरों से कंपैरेटिवली कम केसेस हैं कोविड के अभी, लेकिन उससे भी पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों के, हमारे आइकॉन्स के बारे में और उन सभी लोगों के बारे में जो कि लीग को मैनेज कर रहे हैं इस समय। क्योंकि इंसान की जिंदगी खेल से कई ज्यादा बढ़कर है। तो थोड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम आगे बढ़े तो बात करेंगे कल ट्विटर पर क्या हुआ था उसके बारे में। RCB और CSK दो बहुत बड़े राइवल्स हैं IPL में, और ये राइवलरी सालों साल बढ़ती ही आई है इंडियन प्रीमियर लीग में। लेकिन कल ट्विटर पर ऐसा लगा मानो RCB ने घुटने टेक दिए हों चेन्नई के आगे। मतलब हमें पता है कि विराट कोहली MS धोनी का बहुत मान रखते हैं, उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन अपनी #टैग पर चेन्नई की जर्सी क्यों लगाई उन्होंने? और इसी बारे में ट्विटर पर पूरे दिन चर्चा हुई। RCB का #टैग ट्रेंडिंग भी रहा ट्विटर पर। और हमें बस ये सोचना ही होगा कि इस साल जो दो मैच होने वाले हैं उनमें कहीं RCB इतना आदर और इतना मान नहीं रखेगी CSK का। अब बात करनी होगी दिल्ली कैपिटल्स ने जो बड़ा फैसला लिया इस हफ्ते उसके बारे में। श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में उन्हें एक कप्तान चुनना था, और जो चार खिलाड़ी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे जो प्रबल दावेदार थे कप्तानी के, वो थे स्टीव स्मिथ, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत। और दिल्ली ने एक बार फिर से 3 साल बाद एक 23 साल के धुआंधार बल्लेबाज को अपना कप्तान घोषित किया। जी हाँ, श्रेयस अय्यर को भी जब कप्तान बनाया गया था तब उनकी उम्र भी 23 साल थी, ऋषभ पंत को जब कप्तान बनाया गया तब उनकी उम्र भी 23 साल है। और जिस तरीके के फॉर्म में वो हैं, ट्विटर आर्टी बेहद खुश नजर आई दिल्ली कैपिटल्स के इस फैसले से, और सभी ने ऋषभ पंत को बैक किया। रिकी पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं, उन्होंने भी ऋषभ पंत को बैक किया और ऋषभ पंत ने भी अपने ही अंदाज में उनको रिप्लाई भी किया। तो जिस तरीके से वो स्टंप्स के पीछे से कम्युनिकेट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं लाइव, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं और जिस तरीके से वो अपने अंदाज में खेल को खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन बेहद रोमांचक टीम होगी। अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो आपके लिए IPL में सबसे बड़ी ट्रीट, मतलब काफ़ी सारी ट्रीट्स होती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी ट्रीट ये रहती है कि विराट कोहली और AB de Villiers दोनों साथ में खेलते हैं। लेकिन लीग शुरू होने से पहले हल्की फुल्की बैंटर चलती है यार इनके बीच में। भारतीय कप्तान विराट कोहली जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलकर फ्री हुए तो उनका पूरा ध्यान IPL की तैयारियों पर गया। उन्होंने एक पोस्ट भी डाला स्पेसिफिकली इसी बारे में बात करते हुए। लेकिन AB de Villiers और उनके बीच जो एक हल्की सी बैंटर हुई अपनी स्पीड को लेके, उसने हम सभी फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। हमें ऐसा लगा कि उस रेस का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा या सोशल मीडिया पर कोई वीडियो तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद RCB इस बारे में कुछ कर सके, शायद मिस्टर नैग्स इस बारे में कुछ कर सके, बतौर फैंस ये देखना तो बनता है यार। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर जब भारत पहुंचे तब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं
उनसे ये विनती की कि वो उन्हें बताएं तरीके जिससे कि वो लीक के शुरू होने से पहले जब होटल में है, जब क्वारंटीन में है, तब अपना समय थोड़ा सा व्यतीत कर पाए। लेकिन उन्हें जवाब मिलता है मुंबई इंडियंस के कप्तान से, और जो जवाब उन्हें मिला उसके बाद उन्हें तरीकों की नहीं, एक बाम की ज़रूरत होगी, उन्हें नहीं तो उनके फैंस को ज़रूरत होगी। तो मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करके यहाँ पर इस नेक कार्य में अपना पैसा लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उन्हें। जाने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की एक उपलब्धि पर बात करते हैं जिसे सभी 8 IPL फ्रेंचाइजीज ने इस हफ्ते सेलिब्रेट किया। इस हफ्ते भारतीय क्रिकेट टीम को 2011 विश्व कप जीते हुए 10 साल पूरे हो गए, 10 साल। और मुझे तो अभी याद है, मैं 13 वर्ष का था जब भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप जीती, और ऐसा लग रहा था मानो सेलिब्रेशंस रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जब हम सभी भारतीय फैंस अलग अलग टीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो जो इस तरीके की जीत होती है, हालांकि 2011 अपने आप में एक अनोखी जीत थी भारतीय क्रिकेट के लिए, लेकिन सारा देश और सभी भारतीय दुनिया भर में कहीं भी हों एकजुट हो गए थे कई दिनों के लिए। इसीलिए सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फैंडम दिखा इस बारे में कि हम भी बड़े हो गए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम भी भारतीय क्रिकेट के साथ कितना आगे आ चुकी है उस जीत के बाद से। तो जाने से पहले दो तोहफे आपको देकर जाऊंगा मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो cricketnews.com ने भारतीय टीम के विश्व कप जीतने पर जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं उस पर 1983 और 2011 की जीत के बारे में एक स्पेशल एपिसोड रखा है जो आप देख सकते हैं, आपको देखना चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि अब IPL की भी शुरुआत होने वाली है, तो cricketnews.com का जो ऑफिशियल पॉडकास्ट है सुमेध बिलगी के साथ वो भी वापस आ चुका है और उसका पहला एपिसोड अब लाइव है। मतलब आप जिस समय मुझे देख रहे हैं ये बोलते हुए वो सोशल मीडिया पर जा चुका है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। हर एक IPL टीम के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए उस एक एपिसोड में हमने रैप करके आपको दे दी है। तो समय हो चुका है इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का। अगले हफ्ते फिर वापस लौटेंगे दुनिया भर की खबरें आपके लिए लेके, क्योंकि यही तो काम है हमारा, घमंड नहीं है।